काय होईल साखर झाला की पण यार म्हणाय पाच जण बटरी होता ना पानी चढ़ रहा है इंगल का जला की पहले इंगल का कौन जा रही तुम आए थे अब बार मत कर आधा घंटा आओ बाल जी बताओ इस सैनिकट के बारे में दो शब्द कहो आप और मुकेश जी हैं मुकेश जी इधर इधर आओ हाँ बाल जी आप बताओ दो शब्द इसके बारे में क्या मांग रखी थी कि द्वार को आगे तक बढ़ा दिया जाए हजारों बीघा में फायदा हो सकता है किसानों के लिए यही आसपास के क्षेत्र के किसान भाई यही आशा और अभिलाषाएं सब बात करते हैं और हमें पूर्ण उम्मीद है कि पंडित नायन इस मांग को उठाया है हम भी साथ में हैं और जरूर एक दिन साकार हो जय हिंद जय भारत जय किसान ये पहाड़ आर पार बन जाए ना मुकेश जी आप तो बताओ आप तो स्थानीय हो यार दो शब्द आप तो कहो यार है? क्या फायदा रहेगा यहाँ के लोगों को अरे यार गुरु जी रह रही मत करो यार बिरला जी भाई आप स्थानीय इधर के लोग कहो क्या फायदा रहेगा इधर के किसानों को है ना आप तक उधर इसका प्रभाव तो पड़ेगा दौलतपुर आरोप होगी कम से कम 300-400 मीटर लंबाई तो की ना देख लो भाइयों अंदाजा लगा लो 300-400 मीटर लंबी पहाड़ है इधर से वहां तक सामने तक जिससे इतना पानी जा रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना पानी आ रहा होगा इसमें मोरेल डैम की जो ऊपरा है ना उससे भी ज्यादा लंबाई है इसकी जो इसे निकट की ऊपरा है ना वो मोरेल डैम की ऊपरा से भी ज्यादा लंबी है देखो पीछे जहाँ तक देखोगे जहाँ तक आपको पानी पानी दिखाई देगा इसमें इधर भी देख लो जहाँ तक पानी पानी दिखाई दे रहा है आपको अगर सही तरीके से ये अगर मान के पूरा प्रोजेक्ट जो इसका है उससे सही तरीके से वो हो सकता है तो मुनेश भाई कोई नहीं विधायक साहब आए थे उस दिन कहा था कि सम्मेल के इधर से सुरक्षा पहाड़ बनाई जाएगी आर पार तक तो आप लोगों को कोई नुकसान नहीं है हमने तो पहले ये कहा था कि भाई इसको बढ़ाते हैं या इसका जो भी होता है सबसे पहले सम्मेल की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए ये पहाड़ आर पार तक बन जाए वहां तक चश्मा शानदार लग रहे सही तरीके से वो होता है ना तो 50 गांव पंजाब हरियाणा बन जाएगी कतई जरूरत नहीं पड़ेगी पानी भी आ जाए देना अभी तो बढ़िया लोग बिल्कुल सर यार मतलब आगे देख
जहाँ तक देखते हैं वहाँ तक पानी पानी दिखता है जहाँ तक। ये कोई बोतल है कोई? राम राम भाइयों। मिनट लाल जी, लाल जी पानी बनाओ। मनीष भाई कुछ पाने के लिए कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ती है थोड़ी बहुत। ये पहाड़ बनने के बाद में कोई नुकसान नहीं होगा, अभी तो निर्माणाधीन है, पूरी तरह इसका पूर्णतः काम नहीं हुआ, इसलिए निश्चिंत रहो आप लोगों का नुकसान नहीं होने देंगे।